बहुत ज्यादा धन्यवाद करके भी आए थे, रब भी धन्यवाद करते रहा आपने सोशल मीडिया। भाई पिछड़ा आदमी है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं ढूंढूंगा, मेरा काम हुए चल जाएगा। बुजुर्गों को धमका के बोलता हूँ, जो घर गए लोगों को पानी की ना पूछ के उनको भगाने का काम करता वो होता है। कैप्टन अभिमन्यु जी अंबेडकर जी की जयंती पे गए हूँ कब, या वो नहीं गिनती में पता चल जाएगा। 5 तारीख भाई मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देने 20 साल तो गए अभिमन्यु जी। एक आदमी 5 वोट डाल लगा, क्या कुछ करना चाहोगे? कप्तान साहब क्या कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता, 5 वोट एक आदमी थोड़े जा लगा, एक आदमी में नहीं कहा भी, एक आदमी 5-5, 7-7 वोट ले जाएगा अपने साथ, और जितने लोग चौपाले में आ रहे हैं मेरे साथ वो लोग 5-5, 7-7 वोट लेके आएंगे, मैंने तो ये बात बोली है। तो वैसे भी इसके साथ में बात करा तो एक बड़ी चीज भी बोल रही है कि भाई मैं जीत गया यानी कप्तान अभिमन्यु जीतता है, तो भाई जो मुख्यमंत्री है उसको बराबर में कुर्सी ला के भी, और जैसे पेटवाड़ जीतता है तो भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चौकीदार बन के रह जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देने 20 साल तो गए अभिमन्यु जी ने, अब तक तो अभिमन्यु जी का गाय उतरी है लॉलीपॉप वाली बात, ठीक है। तो रही बात चौकीदारी की, नारायण दल के की सेवा के लिए, नारायण दल के में मेरे युवा भाइयों के रोजगार के लिए, नारायण दल के में विकास के लिए मुझे किसी की चौकीदारी भी करनी मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद भाई साहब। ये तो बताओ 33 साल लड़का मैं तो भाई साहब जैसे बात करा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपने जो घोषणा पत्र हरियाणा लेके आए हैं कितने का आपने मतलब ये लगे कि जो जो आम आदमी चाह रहा था लगभग सारी उसके अंदर चीजें मौजूद रही? तो ये घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये घोषणा पत्र जनता का है, ये जन घोषणा पत्र है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा पत्र खुद नहीं बनाया, राहुल गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और चौधरी उदय भान जी ने, ये इन्होंने ये सुझाव जनता से मांगे थे कि आप हमें सुझाव दो हम घोषणा पत्र में क्या क्या लागू कर सकते हैं। तो आप देखिए MSP पे गारंटी घोषणा पत्र में आई, OPS जो बहुत पुरानी मांग है कर्मचारियों की वो घोषणा पत्र में आई, आप देख सकते हैं बुढ़ापा पेंशन घोषणा पत्र में आई, 100-100 गज के प्लॉट जो बंद कर दिए थे BJP ने हमारे SC BC के गरीब भाइयों के लिए वो घोषणा पत्र में आए, और महिलाओं के लिए 2-2 हज़ार रुपये महीना घोषणा पत्र में आए। ये जनता का घोषणा पत्र है ना कि कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी है, गरीबों गरीब और किस छोटे मजदूर किसान का भला केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। तो भाई साहब जैसे कांग्रेस अपना जो घोषणा पत्र लेके आया है साथ में BJP लेके आई है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं सेम टू सेम चली, और जो महिलाओं को 2 हज़ार रुपये पर मंथ देने की बात थी 2100 रुपये बढ़ा के कर दिए हैं BJP ने। नहीं वो तो चुनाव के समय है, अब तो 4 सीटा लग गई, अब तो कोई चीज़ लागू ही नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो ये है 10 दिन के बाद, 14 दिन के बाद जब वोटिंग होगी और 18 दिन के बाद जब नतीजे आएंगे तो BJP इस प्रदेश से बाहर हो चुकी होगी, उनकी घोषणा का कोई वैल्यू नहीं रह जाता। वो चाहे 20 हज़ार कर दें, वो चाहे 50 हज़ार कर दें, अब उनको ये पता है कि हरियाणा की जनता मन बना चुकी है, BJP जा रही है और कांग्रेस हार रही है। इसके साथ में एक सवाल और भी था कि भाई कप्तान साहब कह रहे हैं मैं नॉर्मल विधानसभा में टिकट देनी थी कांग्रेस ने तो सब आदमी ने दे बोलिया, युवा का दे दी, और जो बात को जो मंच पर बोला वो ऐसी ऐसी बातें करने लग रहे हैं, 8 बजे 9 बजे और टोटो कुदा दी। वो नहीं कोई नहीं, कैप्टन साहब ज़्यादा सभ्य होंगे भाई, अगर लोगों ना असभ्य लगा हैं तो वो तो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे ना सबको ये पता चल जाएगा कि सभ्य कौन है असभ्य कौन है। असभ्य तो वो होता है जो घर गए 70-70, 80-80 साल के बुजुर्गों को धमका के बोलता हो, जो घर गए लोगों को पानी की ना पूछ के उनको भगाने का काम करता वो होते हैं सभ्य लोग, और मुझे पता है और आपको पता है और पूरे हरियाणा को और पूरे हरियाणा को पता है, जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आज तक आया है उस व्यक्ति से सीधे मुंह बात नहीं की राजा साहब ने, तो असभ्य मैं हूँ या वो नहीं गिनती में पता चल जाएगा। 8 तारीख की गिनती जब होगी, जो गिनती में पीछे रह गया वही असभ्य है, क्योंकि लोग उसी को वोट नहीं डालेंगे। तो ये फैसला ना कैप्टन साहब ने करना ना मैंने करना कि कौन सभ्य और कौन असभ्य, ये फैसला नारायण हल्के की जनता ने करना है जो 8 तारीख की गिनती में परफेक्टली तय कर देगी। इसके साथ बात कर दो जो बस गांव है वहां से एक वीडियो वायरल होने लगी लगातार SC समाज की है कि भाई आरोप लगावे कैप्टन अभिमन्यु साहब जब सत्ता में थे तो हमारे साथ ये जलवैद कह दिया इसी भाषा में कह दिया तंग रहे हैं, क्या लगा जी आपने देखी होगी अब तक बात पहुंची होगी? भाई कैप्टन अभिमन्यु पे एक चीज मैं पूछूं, SC समाज पे ही बात कर रहे हो आप, SC समाज को ही ले लेते हैं,
एक सिंगल कभी कैप्टन अभिमन्यु जी अंबेडकर जी की जयंती पे गए हूँ, कभी कैप्टन अभिमन्यु जी बाबा साहब की पुण्यतिथि पे गए हूँ, रविदास जयंती पे गए हूँ, वाल्मीकि जयंती पे गए हूँ, कभी भी वो उनका भी यही सवाल था कि हमने अंबेडकर जयंती पे बुलाया तब मना कर दिया, हमने अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पे बुलाया तब मना कर दिया, रविदास जी की जयंती पे बुलाया तब मना कर दिया। और ऐसी समाज के जो लोग हैं उनकी पीड़ा जायज है। और बीजेपी ने हमेशा दलितों का उनका दलितों को सताने का काम किया, उनको परेशान करने का काम किया। सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा ऐसी समाज और गरीब समाज तबका बीजेपी में सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि मजदूर वर्ग है ना। आज फैमिली आईडी के नाम पे उन मजदूरों की बुढ़ापा पेंशन काट दी, राशन कार्ड काट दिए गए, तो इससे पूरा और क्या होगा? और बीजेपी का जो घोषणा पत्र था वह गायब मिली, कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग का सम्मान है वह कम होता नजर आया। बीजेपी ने कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बीजेपी ने कांग्रेस वाला जो घोषणा पत्र था फोटो स्टेट वाली मशीन ले गई, इसकी कॉपी कटा लो, क्यों बीजेपी वाले बेरा क्यों दिमाग खराब करे, आप मैनिफेस्टो बना के आना नहीं जाने की मैंने सरकार लोग बनाना नहीं चाहते, तो इन्होंने कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाया, फोटो स्टेट मशीन पे कॉपी किया, ऊपर भारतीय जनता पार्टी लिख दिया। बस ये काम बीजेपी ने किया है। और जितने वायदे बीजेपी ने पूरी आज तक किए हैं, इतने वायदे 75 साल में किसी पार्टी ने नहीं किए हिंदुस्तान में, और जितने झूठे ये हैं इतने झूठे भी आज तक कोई नहीं हुए। तो वैसा लास्ट में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, नारायण विधानसभा में जो स्टार प्रचारक का रैली होने वाली है, कौन से नेता आ रहे हैं और कब कब आ रहे हैं? सभी सीनियर लीडर आएंगे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे, चौधरी उदय भान जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो आएंगे, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, जयप्रकाश जी आएंगे, और भी हमारी सीनियर नेताओं से काफ़ी से बात चल रही है, वो सभी यहाँ आकर अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करने का वो काम करेंगे। जी धन्यवाद। कल मदन नेड़ी में दो प्रोग्राम था कटा हुए का, आपको लेकर बड़े जुमले चल रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है बाहर से, बड़े बड़े गेटवे वाले इंसान आ रहे हैं, तो कहाँ जस्सी गरीब है? तो कैप्टन अभिमन्यु डर क्यों गए हैं? उनसे कहिए डरिए मत, चुनाव लड़िए शांति से, हम पूरी शांति से पूरे अनुशासन में रह के चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन साहब को कोई इस बात की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं कि मेरे साथ कौन है कौन नहीं है, कैप्टन साहब को ये सोचना चाहिए कि उनके साथ कोई बचा है या नहीं बचा। वो एक तरह से एक धमकी भी दे रहे थे कि मतलब कि मैं भी एक कैप्टन रहा हूं पहले, तो मैं किसी से डरता नहीं। भाई पीछे वाला आदमी है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं ढूंढूंगा, मेरा काम हुए चल जाएगा। आप किस ससुराल होते हो? कोई बात नहीं, कितने भी खड़े हैं देश के, भाई पीछे वाला आदमी, तो हमें गरीब आदमी हाथ जोड़ के काम चला लेंगे। कैप्टन साहब आदमी धमकी भी देश के, वो कुछ भी कर सके भाई। और आपको भाई भाई भी कहते रहते हैं, भाई मेरा गाँव का पड़ोसी है। हम की तो कैप्टन हुआ भाई। अब देखो ना, दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, एक तो मैंने धमकी दे, ऊपर तो मैंने भाई बताऊ, फैसला तो करो। धन्यवाद। क्या कहना चाहूँ मैं, यो कहूँ धमकी कैप्टन दुआव है, गांव में तो 20-30 आदमी भेज के न जसपाल को धमकाने की कोशिश करी सार में, उसका गांव के लोगों में इतना रोष हो गया कि आधा खंडा कल रात भाई जस्सी पेटवाड के स्वागत में खड़ा था, इस वजह से खड़ा था कि उन्होंने जसपाल को घर जा करके 20-30 आदमियों धमकी दी, अगर तेरे में हिम्मत है तो पर्स में चढ़ना, तो पूरा खांडा गांव इकट्ठा हो गया जसपाल के साथ भाई जस्सी को ट्रैक्टरों में, कम से 50 ट्रैक्टर, सैकड़ों लुगाई आदमी भाई स्वागत में पर्स में लेके गए, वहां भाई जसपाल का भाषण करा, धमकी तो कैप्टन देता है, जस्सी का धमकी देता है। बहुत जबरदस्त रहा, आप जिस दिन 9-8 तारीख को रिजल्ट आएगा ना चुनाव का, तो उस दिन देख लेना, खांडा गांव से भी कैप्टन अभिमन्यु हारने जा रहे हैं। धन्यवाद मैम, उनकी फुटबॉल बॉल है, कैप्टन ने 10 साल पहले जब मंत्री थे उन्होंने उस टाइम किसी की नहीं सुनी, उस टाइम सबसे धमका के बात करते थे, अब कैसे बात करेंगे? बहुत ज्यादा धन्यवाद करके भी आए थे, रब भी धन्यवाद करते, आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देख भी लियो की
खांडा गांव ने किस तरह लाड प्यार से भाई को हाथों में बैठा करके पर्स में ले जा करके भाई का स्वागत किया है। धन्यवाद रणदीप रुवान, जिंदाबाद।